नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं HCN न्यूज। देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी 20 खबरों पर। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से की बात, कोरोना कम होने पर भारत आने का दिया न्योता। फाइजर ने केंद्र सरकार से कहा उसका कोरोना टीका 12 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए उपयोग। चक्रवात यास ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मचाई तबाही, लाखों लोग प्रभावित, छोड़ गया बर्बादी के निशान। काला दिवस मनाने के लिए किसान सड़कों पर उतरे, कोरोना से बेखौफ प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जिया। यूपी में धीमी पड़ रही कोरोना की रफ्तार, पॉजिटिविटी रेट पहुंचा 0.93%, 24 घंटे में रिकॉर्ड टेस्ट। राज्यों को कंपनी नहीं दे रहे वैक्सीन, टीका खरीदे केंद्र सरकार, ये वक्त टीम बनाने का है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। मध्य प्रदेश में 1 जून से धीरे धीरे खोली जाएगी आर्थिक गतिविधियां, लेकिन लागू रहेगा धारा 144। यास चक्रवात का यूपी में भी दिखेगा असर, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। कोरोना से हुई मौतों का होगा ऑडिट, सीएम अशोक गहलोत बोले राजस्थान में मौत के आंकड़े छिपाने की परंपरा नहीं। सीएम अशोक गहलोत का आरोप, कहा देश में ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कर रहे गलत बयानबाजी। गुजरात में कोरोना मामलों में आई गिरावट, सीएम विजय रूपानी ने राज्य में कर्फ्यू के समय में दिए घंटे की छूट। अस्पताल देर से रिपोर्ट कर रहे हैं कोरोना से होने वाली मौतें, उत्तराखंड में सही आंकड़ों को लेकर उठ रहे सवाल। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में आए सबसे कम नए मामले, पॉजिटिविटी रेट 2% से कम। पश्चिम बंगाल में साइक्लोन यास को लेकर 30 घंटे तक राज्य सचिवालय में रही सीएम ममता बनर्जी, 28-29 मई को प्रभावित इलाकों का करेंगी दौरा। हरियाणा में आंदोलन हिंसक हुआ तो संपत्ति के नुकसान की भरपाई करेंगे आंदोलनकारी, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मिली मंजूरी। ICC रैंकिंग्स में बिना खेले विराट और रोहित टॉप 3 में बरकरार, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने लगाई छलांग। सलमान खान की राधे ने कमाए 12 दिन में 300 करोड़, कोरोना में सबसे अधिक कमाई का रिकॉर्ड। सोशल मीडिया गाइडलाइंस पर टकराव, व्हाट्सएप ने कहा गाइडलाइंस प्राइवेसी का उल्लंघन, केंद्र का जवाब इससे यूजर पर असर नहीं, कंपनी का रवैया गलत। केंद्र सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर 1 लाख गांवों तक पहुंचेगी बीजेपी, कोरोना से राहत बचाव अभियान चलाने की तैयारी। PNB घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी हिरासत में लिया गया, एंटीगुआ में डोमिनिका पुलिस ने पकड़ा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।